जेंडरली क्या है, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा टॉपिक है, ऐसे नहीं होगा, इवन पीपल डोंट केयर टू टॉक अबाउट इट. बट मेरे हिसाब से हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग, वो हमारे लिए हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जस्ट बिकॉज हम लोग उनके और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे अलग है. वो भी हमारे जनरेशन के थ्रू ही मतलब इसी एज से गुजरते रहे हैं. जब वो हमें गाइडेंस देते हैं तो वो हमारे भले के लिए देते हैं. मे बी हम कभी उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते ना कभी करना चाहते, तो हमेशा उनसे वो कम्युनिकेशन बनाते रहना, हमेशा उनसे बात करते रहना, उसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फील कराना बहुत जरूरी है. इन पर्टिकुलर स्टेज के बाद ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें प्यार की बहुत जरूरत होती है. इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ देम, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक टू देम, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्कस देम, वी डिस्कस विद देम आवर इश्यूज, आवर प्रॉब्लम्स, आवर हैप्पीनेस. दैट प्रमोट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अस. ऐसा करने से हमेशा हमारे और उनके बीच में एक तो स्पेशल बॉन्ड, एक लिंक बनी रहती है. मैंने बहुत मेहनत किया है कि आजकल काफी बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, ओल्ड एज होम्स, व्हिच इज नॉट राइट. अकॉर्डिंग टू अस वी आर सो बिजी दैट वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, देयरफॉर वी सेंड देम होम. बट दिस इज नॉट ट्रू. द थिंग इज अपार्ट फ्रॉम देयर दे फील अ बिट मोर लोनली. दे not get used to that environment. They need their children. They need us to contribute to their lives. We need them to contribute to our lives. We need their help. We really